हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो श्रृंखला पार्ट टू में हम बताएंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत पड़ती है तो कौन से खुराक में से मिलते हैं, इसके लिए हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। तो जो हमारा सबसे पहले जो पार्ट वन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम उनका कॉज बताया था और इंट्रोडक्शन इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बताया था, और अभी हम सिम्टम बताते हैं। और इसमें कई बार हमारा खाना पीना ढंग से नहीं होता है तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में बताएंगे, और इसमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए इसके भी बारे में हम बताएंगे। और पार्ट थ्री में हम इसके लिए कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, क्या होम मेडिसिन है, इसके लिए भी हम आपको आगे बताएंगे। तो मित्रों, ये हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पार्टली भी होता है, माइल्ड भी होता है और माइल्ड से भी एक्सेस भी होता है। तो कई बार माइल्ड जो मॉडरेट होता है तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, पर माइल्ड और सेमी माइल्ड होता है तो ये रिस्टोर हो जाता है। आप इससे ऐसे कैसे फूड जो में बदलाव करोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल करोगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन फिर से हो जाता है। तो मित्रों, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से हम उसको नपुंसकता बोलते हैं, स्तंभन प्रॉब्लम भी बोलते हैं और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो परिभाषा अलग अलग होती है, ये इसके जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले तो जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है तो पहले तो ये ब्रेन में ऐसा चित्र उत्पन्न कर देता है कि ये बड़ी बीमारी होती है, ये किसके साथ शेयर नहीं करता है, और ब्रेन में इसके बाद बड़ा ये बता देता है कि जो सेक्स पावर नहीं होता है तो ई कैनॉट मैन, और उनको ऐसा लगता है कि बस आई कैनॉट डू एनी थिंग्स। तो इसको डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, इसके लिए उसकी नींद भी हराम हो जाती है और किसके साथ बात भी नहीं कर पाता है, गुस्सा रहता है और उनके जो फैमिली के साथ भी गुस्सा करता है और कोई समझने को तैयार नहीं होता है। उसका वजन भी घटने लगता है, सारा दिन वो मुझाता रहता है, उसके गाल बैठ जाते हैं, कई बार आँखें भी नींद के कारण अंदर उतर जाती है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। कई बार जो विरुद्ध सेक्स वाले जो कोई लेडीज़ के साथ बात करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी तरह उनको सिम्टम्स आता है। और धीरे 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 उनको जो मसल मास इंडेक्स भी घटता है, इसके लिए उसका टेस्टोस्टेरोन भी घट जाता है। तो ये ज़्यादातर ऐसे सिम्टम्स आता है जब भी रात का वक्त आता है और साथ में सोने का वक्त आता है उनका फैमिली रिलेशन के साथ, तो उनको घबराहट हो जाती है, पालपिटेशन हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है, बोलने में भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है। यही व्यवहार उनको दिन में भी उनका जो कार्य क्षेत्र होता है इसमें भी रहता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंट घट जाता है और उनको विल पावर भी, लैक ऑफ विल पावर भी रहता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देखा पाया जाता है। तो मित्रों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसा कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि ये नहीं मिटता है। तो जब भी आपको ये बीमारी का प्रॉब्लम्स हो जाए तो सबसे पहले आपका पार्टनर के साथ शेयर कीजिए। जब भी आप उनके साथ शेयर कीजिए और कोई ऐसा जो आपको हेल्प नहीं मिलता है तो कोई अच्छे होम्योपैथ और कोई जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह कीजिए वो थेरापीज अपनाएं, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा कि वाइग्रा है, कि वेलेंट्रा जैसी दवाएँ होती है आधुनिक साइंस में, या कोई बाजारों में ऐसे कोई दवा लेके आप उपयोग करोगे तो इसकी साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ये टेम्पररी फेज़ में इरेक्टाइल तो आ जाता है, पर इसे कोई लाइफ लॉन्ग रहता नहीं है और आपको उसकी आदत पड़ जाता है। इसके कारण जो आदत को छुपाने के लिए आपको इसको हैबिट का भी सहारा लेना पड़ता है, या कोई अल्कोहल या स्मोकिंग का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये ढांक पिछोड़ करने का ये डिजीज़ नहीं है, क्योंकि आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुए तो आपका फैमिली बनने में भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसको कोई वरीड करने की बात नहीं है। को अच्छे डॉक्टर के पास जाके आपका जो समस्या का निवारण कर सकते हैं। ये मेरा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है इसके में भी आप शेयर कर सकते हैं, और आपका जो भी प्रॉब्लम्स हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या बेलेनाइटिस हो या आपको जो कोई भी आपका जातीय रोग के समस्या हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने 35 साल में कई युवा वर्गों या ओल्डर पेशेंट को अच्छा किया है और इसको नॉर्मल सी प्राप्त किया होता है। मित्रों, इसमें जो हमने उसका साइन एंड सिम्टम भी बताया, आगे भी हमने कॉज बताया है कि कई हैबिट की वजह से ओवर
ओबेसिटी या ओवरवेट के लिए हो सकता है, और कई बार आपको जो टोबैको च्यूइंग और अल्कोहल की वजह से भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कई बार हार्मोन लो टेस्टोस्टेरोन के वजह से भी होता है, कई बार अमुक कोई दवा की साइड इफेक्ट्स होता है, कोई डिजीज़ की वजह से। मैंने जो पार्ट वन में उसका डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह किया है, इसका लिंक मैंने नीचे डाला है, तो आप पार्ट वन में जाके भी इसके लिए आप ढूंढ सकते हैं और अच्छी अच्छी तरह आप उसका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हमारा खाना पीना ठीक हो जाए और अच्छी एक्सरसाइज हम करने लगे, तो फिर से री एस्टाब्लिश हो जाता है और रिस्टोर हो जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। तो मैं आज आपको ऐसे जो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशनल है, ये भी हमारा शरीर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फास्ट लाइफ होता है, हम अच्छी तरह बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, खाने में हम मैदा ज़्यादा ले जाते हैं, शुगर ले लेते हैं, फैट ज़्यादा ले जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी को नीड है, प्रोटीन्स का नीड है, माइक्रो ऑर्गन का नीड्स है, ये डेफिशिएंसी रहता है। सारा दिन बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर फुफुदरा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, ऑबेज हो जाता है। तो जब भी हमारा हॉर्मोन्स भी बनना चाहिए, जो भी हमारा टेस्टोस्टेरोन बनना चाहिए, प्रॉपरली नहीं बनता है, तो जब हम एटम करने को जाते हैं तो हम डिसफंक्शन हो जाते हैं। मित्रों, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये रिस्टोर होता है। जितना आप यंग होते हैं, इसमें झड़प से रिस्टोर होता है। तो आप जो मैं बताया हुआ जो फूड बताता हूँ ये आप लोगे, तो ये माइक्रो न्यूट्रिशन भी शरीर के लिए ज़रूरी है, और इसके लिए थोड़ा मैं एक्सरसाइज भी आपको बताता हूँ, जिससे आपको बॉडी में एक एनर्जी लेवल आपको फील होए। कई बार आपने अमुक एडवर्टाइज में देखा है कि उनको तो तन में भी नहीं लगता, मीन्स तन मीन हमारा शरीर में जो भी खोना खाते हैं वो नहीं लगता है, क्योंकि ये बैलेंस डाइट ही लेता नहीं है। तो हमारा शरीर में जो हमारा जो डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसके लिए हमको माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए। इसमें आयरन भी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मिनरल भी चाहिए, और खनिज तत्व भी चाहिए, हमको एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। ऐसे तरह जो हमारा कैल्शियम चाहिए, B12 चाहिए, उसकी डेफिशिएंसी रहता है तो भी हमको इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम ऐसा वेजिटेबल को आपको बताते हैं कि जो वेजिटेबल्स होता है और फ्रूट होता है, इसमें लाइपेन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे वेजिटेबल्स में नाइट्रेट की भी मात्रा ज़्यादा होती है, तो नाइट्रेट भी हमारा शरीर में जो डिसफंक्शन होता है उसको रिस्टोर करता है। तो जो 70 की जो भाजी होता है, पालक की भाजी होता है, तांदरजा की भाजी हो जाता होता है, मेथी की भाजी होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन भी हमारा जो जो नर्वस स्टिम्युलेंट को बढ़ाता है, हमारा वाजो डायलेशंस भी, ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। तो आप ज़्यादातर ज़्यादा भाजी का भी उपयोग कीजिए। परवल ही सबसे अच्छा जो हमारा जो वेजिटेबल में किंग ऑफ वेजिटेबल बोलता है, इसे हमारा भी वो सेक्सुअल स्टिम्युलेंट बढ़ता है। तो परवल में ऐसे एक तरह की सब्जी है, तो आप परवल भी ले सकते हैं। कैरेट्स है, मूली है, तो और प्याज है, इसमें जो प्याज में जो नाइट्रोजन प्लस सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, आप लहसुन का भी उपयोग कर सकते हैं। अदरक है, हल्दी है, इसमें ये हमारा में एक जो पौरुषत्व तत्व धारने की एक क्षमता है, और इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और उसमें खनिज भी मात्रा ज़्यादा होता है। तो आपको ये घर का खाना बनाइए, पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, ये जो वीडियो में बताया हुआ है ये कंज्यूम आप ज़्यादा कर सकते हैं। मित्रों, कई बार एक लाइपेन नाम का जो तत्व होता है, ये भी हमारा शरीर को, ये जो लाइपेन होता है सेक्स स्टिम्युलेंट के लिए, ये माइक्रो विटामिन्स है। तो ये लाइपेन ज़्यादातर जो हमको मिलता है केले में से मिलता है, बनाना में से मिलता है, दूसरा है वाटर वाटरमेलन में से ये मिलता है, एप्पल्स में से मिलता है, ऑरेंज में से मिलता है, और जो भी अच्छे दूसरे फ्रूट्स में मात्रा कम होती है, पर जो मैंने बताया है इसमें ज़्यादातर उसकी मात्रा होती है, तो आप ये भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो लाइपेन कोई भी, आप कोई भी दवा इसके बारे में लो, तो लाइपेन की मात्रा देखने का है कि लाइपेन हमारा स्टिम्युलेंट नर्वस स्टिम्युलेंट बढ़ाता है। जब भी हम सेक्सुअल ड्राइव करते हैं तो हमारा मन, शरीर और पार्टनर के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, तब ही हम अटेम कर पाते हैं। तो ये जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिशनल होता है, हमारा नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। हमारा जो पीबोकॉक्सियल रीजन है, लाइक जो गुप्त अंगों का पार्ट है, इसमें ब्लड फ्लो बढ़ाता है, नर्वस कंडक्शंस करता है। ये बैलेंस होने के बाद यू कैन अटेम टू परफॉर्म्स, ये सब कुछ एवरी टाइम बनता है, पर कई बार कम हो जाता है, कई बार मीडियल कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है, तो उसका अलग अलग कॉज मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है।
बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप इतना बैलेंस डाइट लोगे तो ठीक कर सकता है। मित्रों इसके आगे हम बताएंगे कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो कई बार खनिज की मात्रा हमारा शरीर में घट जाती है, जैसे कॉपर है, सल्फर है, सेलेनियम है और आयन है, इसकी मात्रा घट जाती है तब बनता है। तो उसके लिए आप अमुक फूड है, दाखिले तरीके आप बादाम खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, वॉलनट अखरोट खा सकते हैं, और डेट्स ले सकते हैं जिसको खजूर बोलते हैं, और गुड़ ले सकते हैं, इसमें आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। और सभी प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो अंजीर होते हैं, इसमें खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है, सेलेनियम पाया गया है, कॉपर पाया गया है, आयन की मात्रा गई है। तो सब जगह के जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो खनिज तत्व है और जो मिनरल्स है, इसमें से हम ले पाते हैं। कई बार हमारा शरीर में B12 की डेफिशिएंसी होता है, तो हम बोलते हैं कि जब भी B12 की डेफिशिएंसी हो और आपको डिसफंक्शन की लय, तो आप स्प्राउटेड सीरियल लीजिए। तो स्प्राउटेड सीरियल में मूंग है, चना है, और ये भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप बाजरा है, जो बाजरा का रोटी है और मक्का की रोटी है, इसमें भी स्ट्रांग तत्व होते हैं, जैसे हमारी एनहेंस करता है हमारा डिसफंक्शन को, सेक्सुअल ड्राइव को अपलेट्स करता है, और आपको वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों आगे के जो है अमुक ऐसे जो फूड होता है जिसमें कैल्शियम लेवल और विटामिन डी की मात्रा कम होता है, तो जब आपको लगेगा हाँ आप थक जाते हैं और बोन्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, खड़े नहीं रह सकते, एनेमिक हो गए हैं और कैल्शियम की मात्रा घट गई है, तब आप जो सूप है जो मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रमस्टिक का सूप है, ये सुबह शाम लीजिए 30 to 90 days तक, और सनलाइट में 15 से 45 मिनट्स तक आप खड़े रहोगे, तो आपका पर डे का जो विटामिन डी का कंज्यूशन बैलेंस हो जाएगा। और खाने में केला है, पत्ते वाले सब्जी है, मिल्क है, मिल्क की ऑल प्रोडक्ट है, दही है, दूध है, छाछ है, बटर है, चीज़ है, उसका भरपूर मात्रा में उपयोग कीजिए, कारण कि इसमें विटामिन B12 ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, तो आपका शरीर में जो इसकी डेफिशिएंसी होता है पर डे की, ये न्यूट्रिशनल ये सप्लीमेंट आपको लेना नहीं पड़ेगा, और ये नेचुरल सोर्स होता है, ये आपका शरीर को संतृप्त करेगा, और इससे आपका शरीर में एक एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और आपको जो सेक्सुअल डिसफंक्शन टेम्परेरी आया हो या माइल्ड प्रकार के जो सेक्सुअल डिसफंक्शन आया हुआ हो, तो एक खुराक में आप बदलाव करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप सब वेजिटेबल है, सब फ्रूट्स है, ये लेने से आपका ये एनहेंस हो सकता है। मित्रों आप जो नॉन वेजिटेरियन है तो फिश आपके लिए बहुत अच्छा है, फिश की मात्रा बढ़ाइए, और आपका जो मीट खाते हैं तो हफ्ते में 2 बार मीट खाइए, पर मीट के जो आप नॉन वेजिटेरियन है तो कंज्यूम कर सकते हैं। खाने का और आपको फैमिली के साथ जो इंटरकोर्स करने का जो टाइमिंग है, मिनिमम 3 आवर्स रखिए, और अल्टरनेट डे रखिए। कई बार हर रोज़ करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस सेक्सुअल ड्राइव होता है, ये हर रोज करने से उसका डिवीजन हो जाता है, तो आपका इतना लिबिडो भी होने का चांसेस रहता है, पर कई बार जितना ये छोटा है तो ऐसे आप कार्यक्रम कर सकते हैं। इससे तुम्हारा जो जो लेंथ है उसका बदलाव है और टाइमिंग है, धीरे धीरे आपको 3 मिनट से होके आगे भी जा सकता है। और इसके साथ आपको एक एक विनती है कि आपको आउटसाइड फूड नहीं लेने का है, इसमें ब्रेड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, और जो आउटसाइड फूड मिलता है महंगी है, नूडल्स है, इसमें मैदा ही आता है, शुगर आता है, कोक नहीं लेने का है, ड्रिंक्स नहीं लेने का है, शुगर कंटेंट वाली चॉकलेट भी नहीं लेने का है, और आपको पेस्ट्री भी नहीं लेने का है। 6 महीना तक आप वो केयर करोगे तो आपका ये फिर से सेक्सुअल ड्राइव हो जाएगा, और आपका फैमिली भी बनेगा, फैमिली में प्लानिंग भी अच्छी तरह करोगे और हैप्पी लाइफ भी जा सकता है। मित्रों इसमें आप क्या कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो जो आप यंग होते हैं, आप 20 से 30 साल की उम्र में होते हैं और यंग होते हैं, तो आप सबसे पहले जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दौड़ने का रखो, तो आप 45 मिनट्स दौड़ने का रखो, धीरे धीरे ये बढ़ाइए, और किसके अंडर में अच्छी तरह का जूता पहन के दौड़िए, नहीं तो आपको नी इंजरी हो सकता है, और आपका नी में हो जाए तो आपका एक्सरसाइज भी बंद हो सकता है। जो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि प्राण शक्ति से हमारा शरीर में खून का संचार फास्ट होता है, हमारा शरीर में जो वसा है, ज़्यादा फैट है, वो कम कर सकता है। मित्रों मेरा अनुभव ऐसा है कि आप योगा कीजिए, योगा से आपका जो ग्रोइन रीजन अंदर ब्लड फ्लो और नर्वस कंडक्शन बढ़ता है, क्योंकि जो भी
जो भी अंग होता है, जो योगा का जो पोस्चर है, ये हमारा सेंट्रल ओबेसिटी में ध्यान में रखा गया है। आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो हाथ पैर में इफेक्ट ज़्यादा आता है, सेंट्रल ओबेसिटी में कम आता है। तो हमारा जो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मेनली हमारे को लोअर रीजन में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो इसके लिए मैं आपको पांच जैसा योगा बताता हूँ। तो ये जो सबसे पहले जो योगा है, इसको पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। पश्चिमोत्तानासन आपको जो जो आपका हेड है नी तरफ ले जाने का है, और दोनों हाथ आपको अंगूठा से पकड़ने का है। ये जो प्रक्रिया है 1 से 3 मिनट तक कंटिन्यूस करो। ये कंटिन्यूस करने से आपको प्यूबो सैक्रम, प्यूबो मीन्स पेशाब की नली, और सैक्रम मीन्स पीठ के पीछे का जो नर्वस कंडक्शन फ्लेक्सिबल होता है, खींचाता है, तो ऑटोमेटिक नर्वस कंडक्शन बढ़ता है। नर्वस कंडक्शन बढ़ने से हमारा जो लोअर ग्रोइन रीजन एरिया में ब्लड फ्लो और बढ़ता है। तो जब भी आप 1 से 3 मिनट करोगे तो आपका ये पोटेंशियलिटी है जो जो आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसमें फायदा करेगा। दूसरा नंबर का है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपको एल आकार का पोस्चर बनाने का है, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सर्वांगासन पोस्चर में रह सकते हैं। ये मिनिमम जो नए लोग होते हैं 15 सेकंड रखे, नहीं तो भीत के साथ आपका पैर ऊंचा रख के तकिया के साथ आप करोगे, नहीं तो आपका स्प्राइन को भी डैमेज कर सकता है। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाए तो ये 90 सेकंड तक या 2 मिनट तक आप कंटिन्यूस करो। तो इसे तुम्हारा जो ग्रोइन का जो एंटी ग्रेविटी फ्लो होता है, तो हमारा जो पैर का जो ब्लड होता है ये हार्ट ऊपर आता है, और हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है, तो हमारा शुद्ध लोही हमारा ग्रोइन और जो पैर में आ जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, क्योंकि जो हृदय में से पंपिंग नीचे तरफ जाने में टाइम होता है, पर ये ऑटो सर्कुलेशन हो जाता है, ग्रेविटी फ्लो नीचे आता है और नीचे का ब्लड ऊपर जाता है। तो इससे हमारा जो ग्रोइन रीजन में, प्यूबर्टी प्यूबिक रीजन में, ग्रोइन रीजन में ब्लड फ्लो और नर्वस कंडक्शन बढ़ता है। तीसरा नंबर का है ये भुजंगासन। भुजंगासन सबसे अच्छा आसन है। इसमें आपको आपको जो पोजीशन बताया हुआ है, दोनों हाथ से पीछे देखने का है। ये आसन थोड़ा इजी है पर इफेक्टिव है जो लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो आप ऐसे तरह 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक यही पोजीशन में रहने का है। प्रॉपर अच्छी तरह देखो, कई वीडियो है योगा के लिए, ये आप देख के आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक करो परफॉर्मेंस, तो आपका इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। जो फोर्थ नंबर का जो जो बताया हुआ है उसको धनुरासन बोलते हैं। धनुरासन मिले से धनुष, धनुष जैसा हमारा हाथ करने का, हाथ पीछे पकड़ के और एब्डोमेन करके हाफ चक्रासन करके हमारा पैर को पकड़ने का है और सिर को पीछे झुकाने का है। ये प्रक्रिया भी 1 से 2 मिनट करो। शुरुआत में आप 30 सेकंड करो, धीरे 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 उसकी मात्रा बढ़ाइए। एक योग करने से दूसरा योग करो तो 1 मिनट आपको शवासन करने का है। ये प्रक्रिया आप भी 1 से 2 मिनट करो तो आपका जो ग्रोइन एरिया है, जो आपका एब्डोमिनल की एरिया के आजू बाजू में ब्लड सर्कुलेशन है कम हो गया है, तो फिर से रिस्टोर हो जाता है और अच्छा हो सकता है, और आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन को एनहेंच करता है। मित्रों इसमें कोई दवा का पार्ट आया नहीं हुआ है, मैंने अभी तक जो दो भी वीडियो बताया है आप खुद उसको अच्छा कर सकते हैं। पर कई बार नहीं होता है, कई बार आपको डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो और कोई दवा से होता है, तो आप ज़रूर कोई डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं या हमारा सेंटर में आके भी आप परामर्श कर सकते हैं। इससे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करके आप मेरे साथ प्रोफेशनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मित्रों आगे का जो है ये चक्रासन है। ये चक्रासन भी सबसे अच्छा आसन है। तो ये भी आधा मिनट या 30 सेकंड तक आप चक्रासन करो। ये सब आसन करने के बाद आपको 5 मिनट शवासन करने का है, और शवासन करने के बाद आप रिलैक्स हो जाइए और हर रोज करते रहो, और 15 मिनट से 20 मिनट दौड़ने का रखो, नहीं तो चलने का रखो। ये सब क्रिया हर रोज करो, बैलेंस डाइट लो। मैं आपको 100% एश्योर्ड करता हूँ कि आपको बिना मेडिसिन, जो जो टेम्पररी फेज में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आया हुआ हो, या आपको कोई टाइमिंग चाहिए आपको फैमिली के साथ, तो ये ऑटोमेटिक आपको एनहेंच करेगा, और आपका मन में भी जो उसके लिए जो कोई कोई नेगेटिविटी आया हुआ है ये नेचुरल रिस्टोर हो जाता है। तो मित्रों मैंने आपको बताया है कि एक तो बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज,
ये आप दोनों को करने का है। ये लोगों को हैवी एक्सरसाइज करने का नहीं है, हैवी एक्सरसाइज करने का जाओ तो आपको वेरिगो सेल होने का चांसेस रहता है। कई बार तो एक्यूट स्टेज में वाजो ब्रेकडाउन भी हो जाता है, कई बार तो लिबिडो होने का चांसेस रहता है, कई बार पहलवान होता है पर उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है पर 10% मैंने ऐसे पेशेंट देखा है कि ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है और इसमें सपोर्ट नहीं पहनते हैं तो आपको हर्निया भी होने का चांसेस रहता है। तो जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करो तो कोई अच्छा जो जिम में इंस्ट्रक्टर हो, एजुकेटेड हो, इसके निगरानी में करो। कोई भी एक्सरसाइज करने का है तो डॉक्टर की निगरानी में सलाह सूचन के साथ करोगे तो आपका ये जो रिस्टोर है, जो आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन रिस्टोर हो सकता है। मित्रों हम जो हमारा थर्ड पार्ट है जरूर देखना, इसमें हम आपको कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ और भी आपको बताएंगे। तो आप अगले वीडियो मेरा जो आएगा ये थर्ड पार्ट जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जरूर देखना। मित्रों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।